हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। आई होप अभी तक की मेरी जितनी वीडियो देखी होगी आपने, कुछ ना कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद ही रही होगी। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो आज अपनी वीडियो है, जिस कंटेंट है जो, वो है अपना चेस्ट और आपका जो फ्रंट डेल्टॉइड, फुल चेस्ट के ऊपर होगा। और जो आपका फ्रंट डेल्टॉइड होता है, मतलब शोल्डर का आगे वाला हिस्सा, ये शोल्डर वाला, ठीक है। तो इन पर अपन 6 एक्सरसाइज बताऊंगा मैं टोटल। ऑन बॉडी वेट होगी, पूरी ऑन बॉडी वेट। तो उसमें क्या है, ऑन बॉडी वेट मतलब जो आपका बॉडी वेट है उसके ऊपर एक्सरसाइज होंगी, ठीक है। तो उसमें मैं क्या, पूरा होम वर्कआउट है, 6 एक्सरसाइज होंगी, पुशअप्स वाली एक्सरसाइज है सारी। तो देखो कैसे करना है, लेट्स स्टार्ट। जो अपनी पहली एक्सरसाइज होगी वो होगी पुशअप्स। एंड जिसको पुशअप्स करनी नहीं आती, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है ट्यूटोरियल टाइप की, तो उसको जाके देखना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो देखना, पहली एक्सरसाइज अपनी पुशअप्स है, 3 सेट होंगे, 10 रेप्स लगानी है, आपकी स्ट्रेंथ के अनुसार लगानी है। बाकी तो मैं 10 तो उसके लिए बता रहा हूँ जो बिगनर होते हैं ना उनके लिए, बाकी आपकी स्ट्रेंथ है उस अनुसार लगा लें। 3 सेट लगाने हैं उनको, ठीक है। तो देखना कैसे करनी है। जो आपको सांस का तरीका है, जब आप नीचे जाओगे तो इनहेल करनी है, ठीक है, मतलब अंदर लेनी है, ठीक है। एंड जब आप नीचे गए, इनहेल, ऊपर गए, एक्सहेल, एक्सहेल मतलब बाहर निकालनी है सांस को, ठीक है। तो ये थी अपनी पहली एक्सरसाइज। तो जो अपनी सेकंड एक्सरसाइज है वो होगी प्लैंक रोटेशन। प्लैंक रोटेशन में क्या है कि आपके जो फ्रंट डेल्ट और जो अपर चेस्ट ना, ये वाला, ये पूरी लाइन, इस पर फोकस होगा, ठीक है। तो देखना अच्छे से क्या करना है आपको। ऐसे सीधा खड़ा होना है, ठीक है, सीधा खड़ा होके एक हाथ ऊपर लेके जाना है, ये ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। अगर आप बिगनर हो तो कोई होल्ड नहीं करना, अगर आप इंटरमीडिएट या एडवांस फेज में हो तो आपको ऐसे होल्ड करना है ऊपर। तो इसमें क्या होगा कि आपके जो ये फ्रंट डेल्ट है, इस पर पूरा फोकस आएगा। जब आप हाथ ऐसे, अकेला हाथ पे पूरा सपोर्ट रहेगा अपनी बॉडी का, तो इस पर पूरा फोकस आएगा इस पर, ठीक है। तो जो अपनी ये थी सेकंड एक्सरसाइज। अपनी थर्ड एक्सरसाइज है वो होगी अपनी चेस्ट स्क्वीज, ठीक है। उसमें क्या है, आपको पूरा हाथ ऐसे फैलाना है, ठीक है, लंबा करना है, लंबा करके स्क्वीज करना है, मतलब हाथों से पूरा फोकस करना है अपने माइंड पे, चेस्ट पे पूरा फोकस करके स्क्वीज करना है पूरे चेस्ट को, ठीक है। एंड ये आपका काम आएगी जो आपके मैन बूस्ट हो जाते हैं, मतलब चेस्ट जो लटक जाता है, मांस ऊपर खींचे गए, ठीक है। देखना, स्क्वीज करनी है, होल्ड रखना है 3 सेकंड, ठीक है, स्क्वीज। एंड जो ब्रीथिंग आपकी वो होगी, इनहेल एक्सहेल, सांस खींचनी है, सांस छोड़नी है। एंड सांस लेने का तरीका क्या होगा, मुंह से, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े, तो ये थी अपनी थर्ड एक्सरसाइज। ओके, फोर्थ एक्सरसाइज है वो होगी शोल्डर प्रेस, ठीक है। शोल्डर प्रेस देखना कैसे करते हैं, एक बार ये आपको ऐसे जानी है, गर्दन जो आपकी है वो अंदर होनी चाहिए, ठीक है, अंदर करके नीचे जाना, फोकस करना, ये जो इसमें सांस लेने का वो होगा तरीका। उसमें क्या होगा कि आप नीचे जाओगे, जब सांस खींचनी है, सांस लेनी है अंदर, जब ऊपर आओगे, जब छोड़नी है। तो देखना, इसमें क्या है, वही 3 सेट होंगे, 10-10 रैप्स करनी है। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो रैप्स बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। तो ये थी अपनी फोर्थ एक्सरसाइज। तो जो अपनी फिफ्थ एक्सरसाइज है वो होगी शोल्डर टैप, ठीक है। शोल्डर टैप में क्या करना है, अच्छे से देखने को, ठीक है। ऐसे आपको नॉर्मल खड़ा हो जाना है, पुशअप पोजीशन में आ जाना है ऊपर वाली में, ठीक है। एंड क्या करना है आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन। इसमें क्या होगा, जो आपके फ्रंट डेल्ट है ये वाला देखना, इस पर फोकस हो रहा है पूरा, एंड जो आपके अपर चेस्ट है इस पर फोकस हो रहा है, और जो आपकी जो बैक है उस पर भी थोड़ा मतलब फोकस होता है, क्योंकि आप एकदम स्ट्रेट खड़े हो, स्ट्रेट मतलब लेट लेट पोजिशन में हो, तो इस हिसाब से होगा। ठीक है, इसमें आपको करना क्या है, थ्री सेट होंगे, टेन रैप्स एक हाथ से, टेन रैप एक हाथ से, टोटल ट्वेंटी रैप्स होंगी। तो अपनी लास्ट एंड सिक्स एक्सरसाइज है वो होगी क्लैपिंग पुशअप्स। ठीक है, सिंगल क्लैप होगी वाली, तो देखना है और कैसे करना है। नीचे जाना है, ऊपर पुश करके क्लैप क्लैप क्लैप। एंड जिससे पुशअप्स नहीं होती उसको क्या करना है, एक बार नॉर्मल देखना है बार। ठीक है, इसमें करना क्या है कि नीचे चले जाए धीरे आराम से, अपने आप को पुश करने की कोशिश करें, मतलब पुश करो अपने हाथों से अपने आप को पीछे, क्लैप मारनी जरूरी नहीं अभी, बट सीखना है आपको तो नॉर्मली पुश करो, एक्सप्लोर करो अपने आप को पीछे से। ठीक है, तो इससे आपको अगर ये वाली आपको आ जाती है प्रॉपर, तो धीरे धीरे आप सीख जाओ क्लैपिंग पुशअप्स। और बाकी मैं इसकी वीडियो डाल दूँगा ट्यूटोरियल वाली। तो कैसा लगा वीडियो आपको, एक्सरसाइज कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको और कोई सी एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए, कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे, कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझे, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे।